ये वही औरतें हैं जो छुप छुप कर मुझे नहीं पसंद है वही चीजें खाने में डालती हैं, इलायची डालती हैं, जायफल डालती हैं, अच्छे से खा भी लेते हैं और उस दिन पता नहीं मुझे टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। केम छो बदा, उम्मीद करता हूँ मजामा छो। हमारे गुजराती में ऐसे ही अप्रोच करते हैं जब हम एक दूसरे को मिलते हैं, केम छो मजामा छो। दोस्तों बहुत दिन हो गए व्लॉग नहीं आया था, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट संडे यश का बर्थडे का व्लॉग के बाद मंडे को हम आउट ऑफ टाउन गए थे, घर की शादी थी, बैक टू बैक शादियाँ हैं इनफैक्ट, क्योंकि लाइक कोरोना के टाइम शादियाँ की शादियों की सीजन पर पॉज लग गया था। अभी तो अभी इस साल बैक टू बैक शादी है हमारे घर में ही। तो एक जो सबसे जो नज़दीक के रिश्तेदार की शादी थी उसमें हम गए थे, और दूसरे नज़दीक के रिश्तेदार हैं उनकी शादी में मम्मी पापा गए हैं। तो हम गए थे अहमदाबाद, अहमदाबाद से हम बारात लेकर गए थे सूरत, वापस गए थे अहमदाबाद रिसेप्शन में, और मम्मी पापा गए हैं गुजरात के सौराष्ट्र में महुआ सिटी में, महुआ शादी है, और वापस वो भी मतलब अहमदाबाद आएंगे रिसेप्शन में, और उनको भी आते आते हो जाएगा सोमवार। दोस्तों हेक्टिक शेड्यूल, क्या करें, है जाना पड़ता है। इस शादी में भी जाना था मगर यश के स्कूल के कारण, क्योंकि ऑलरेडी 4 दिन की छुट्टी हो गई थी यश की, तो उसके असाइनमेंट्स हैं, टेस्ट हैं, बहुत सारे मतलब स्कूल की एक्टिविटियाँ हैं, तो उसके कारण हमें सेकेंड शादी में नहीं जाने मिला, मम्मी पापा गए हैं। और दोस्तों बहुत हैप्पी हूँ आप सबके कमेंट्स पढ़ के, यश को आपने बहुत सारी बधाइयाँ दी उसके बर्थडे के लिए, और कम्युनिटी पोस्ट में मेरे इंस्टाग्राम में आप अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं हमारे फैमिली से जुड़े। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, इतना बोल देता हूँ, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आप सबसे पहले देख सके। दोस्तों देखो यश क्या कर रहा है। हेलो यश, हाउ आर यू? आपको बताया कितने प्यारे प्यारे बर्थडे विशेस आए हैं तारा बर्थडे माटे, बताए कटली विशेष कह रही तेने खबर छे? सबसे ज्यादा विश यही बर्थडे में है। सबसे ज्यादा विशेष यही बर्थडे में है। यस, आपको YouTube पे वीडियो के कमेंट में, शॉपिंग के कमेंट में, Instagram में भी YouTube की कम्युनिटी में, वहां पे मैंने भी फोटो शेयर किया था बर्थडे का, और ढेर मतलब ये आपका लाइक 10 साल पूरे हुए हैं, 11 साल के हो गए, ये सबसे हाईएस्ट विशेस थी आपकी। जैसे गिरती ना वैसे कमेंट दीजिए। राइट, आप क्या खा रहे हो? फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो? मम्मी ने बनाई होममेड फ्रेंच फ्राइज, राइट? तो चलो मम्मी के पास जाते हैं। अब क्या, आप कार्टून देखो, कंटिन्यू करो। हेलो परी। हेलो, कैसे हो? थकान उतर गई शादी की? उतर गए। देखो यश की मम्मी क्या बना रही है, और आज बन रही है होममेड फ्रेंच फ्राइज। क्या बात है, क्या बात है। बोल रहा है कि मम्मा फ्रेंच फ्राइज बनाओ। फ्रेंच फ्राइज मैंने बनाई नहीं, तो यश बोला मम्मा आज बना के दो, तो मैंने सोचा चलो बना के देते हैं। यश की वैसे तो सबकी फेवरेट ही होती है, राइट? मतलब बच्चे बड़े सबको ही अच्छी लगती है। राइट। तो मैंने प्रिपरेशन दोपहर को कर ली थी, अभी जो मुझे बताया भी नहीं था, अभी मेरे को सरप्राइज दी हालांकि इन्होंने। वैसे आपको भी बहुत पसंद है। राइट। और ये यश का जा रहा है सेकंड राउंड। हमारे यश की डाइट इतनी है ना, मगर मोटा नहीं होता। पेट में जाते ही इतना सब जाता है, तो सब ज्यादा किधर है? तो फिर ये देखो, और एक प्लेट, सेकंड प्लेट, टोमेटो केचप लिया है, पड़ा है। ओके वेरी गुड, कंटिन्यू। और हाँ दोस्तों, आज आपके लिए एक और स्पेशल चीज बताने वाले हैं इस वीडियो में। मैं परी को हैंड ओवर करूंगा, उसके पहले बता दूं, फिलहाल तो परी फ्रेंच फ्राइज बना रही है, कुछ ही देर में एक प्रिपरेशन की हुई है। आज है शनिवार, हमारे प्यारे हनुमान जी का वार, और आपने देखा है कि परी को कुकिंग का पैशन कितना है, आपको पता है, मतलब साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी, प्लस डोसा जो साउथ इंडियन रेसिपीज बनाई थी, और हनुमान जी के लिए जो हम भोग लगाते हैं, मतलब वो भी मतलब बार बार कुछ ना कुछ बनता रहता है हमारे घर में प्रभु के लिए। तो आज शनिवार के दिन परी आप बताइएगा कि आप क्या बनाने वाले हैं ऑडियंस को, बताइए क्या बनाने वाले हो आज? आज मैं बनाऊंगी लड्डू।
मतलब कौन से लड्डू? लड्डू तो बहुत किस्म के होते हैं। हाँ, जो वो बोलते हैं ना चूरमे के लड्डू, आटे के, मतलब गेहूं के आटे के जो बनते हैं, वो चूरमे के लड्डू में बनाऊंगी। जो बाबा, मतलब गणपति बापा को भी पसंद है, बजरंग बली को पसंद है, तो वो मैं आज आपको बना के दिखाऊंगी। ओके, तो दोस्तों आज हम चूरमे के लड्डू की रेसिपी देखेंगे। आज शनिवार का दिन है, बजरंग बली को भोग लगेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को मिस मत करिए, क्योंकि सुखड़ी वाली जो रेसिपी परी ने बनाई थी, आप कई कई सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने उस लाइक रेसिपी को बनाया था और प्रभु को भोग धरा था, अर्पित किया था। तो चूरमे के लड्डू की रेसिपी जरूर एंड तक देखिएगा। मतलब परी प्रिपरेशन कर रही है, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कैसे बनता है चूरमे का लड्डू, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड किया जाता है, क्या क्या मतलब इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं चूरमे के लड्डू में गुजराती स्टाइल। हालांकि आपके वहाँ पे चूरमे के लड्डू कैसे बनते होंगे, हर एक की अलग अलग स्टाइल होती है, तो गुजरात कल्चर में, गुजराती कल्चर में कैसे बनता है वो आज इस वीडियो में देखिएगा। और राइट दोस्तों, परी रेडी है सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ चूरमे के लड्डू के, जो हनुमान जी को हम भोग लगाने वाले हैं। क्या क्या है आप बताइए। ये देखो, ये मैंने लिया है तेल, फिर घी, गुड़, और ये हम लोग बोलते हैं ना जायफल और इलायची का जो मसाला, जो हम लोग ने मतलब पाउडर घर पे ही बनाया वो वाला है। ओके। फिर ये है ड्राई फ्रूट्स, और ये आटा, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा, और ये पानी, और ये पानी मैंने हल्का गर्म किया है क्योंकि इसको आटा वो गुनने में हल्का गुनगुना पानी हम लोग को लगता है इसके लिए। ओके, वेरी गुड, शुरुआत करिए। हाँ, इसमें सबसे पहले हम लोग तेल डालेंगे, और इसमें तेल थोड़ा ज्यादा पड़ेगा तो क्या उसके लड्डू अच्छे बनेंगे। Okay. अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि तेल कितना आपको डालना है। अभी तो मैंने इतना डाला है। ओके। जब भी हम ऐसे मिक्स करते हैं ना तेल को, जी, तो पूरा मतलब गीला हो जाना चाहिए तेल से आटा, इतना हम लोग को थोड़ा ज्यादा तेल डालना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, रुको। ऐसे आप मिक्स करेंगे ना तो ये देखो, ये तेल के हिसाब से ये थोड़ा अभी हम लोग तेल कैसा ऐसे आटा हो जाना चाहिए। ओके। तेल डालने के बाद मतलब सूखा नहीं रहना चाहिए। और भी पड़ेगा इसमें। हाँ, सूखा नहीं रहना चाहिए आटा। और ये गेहूं का जो हम लोग जाड़ा पीसते हैं ना, जी, वो वाला आटा है। हाँ, अगर बारीक आटे से अगर हम लोग करेंगे तो वैसे चिपचिपे लड्डू बनेंगे। ओके, मतलब थोड़ा मतलब जाड़ा जो मतलब बोलते कम अच्छे बनते हैं। कम अच्छे बनते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखो, अभी ये देखो आटा कितना सूखा था, तो अभी तेल आ गया, तो देखो तो ऐसे जब आटा का थोड़ा ऐसे गुल्ला बना के मैं हम लोग इसको फ्राई करेंगे। ओके, मतलब आटा गुनते भी जाएंगे और ऐसे गुल्ला भी बनाते जाएंगे। बताइएगा कैसे बनाते हैं ताकि क्या ऑडियंस को भी पता चले। हाँ, ये देखो ऐसे करके आप ऐसे करके रखते जाओ। ओके, जैसे ये हम बाटी वगैरह बनाते हैं। बाटी बनाते वैसे बना। तो अब ये तेल गर्म होने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ओके, ये देखिए दोस्तों, ये मतलब बाटी जैसा बनाया हुआ है आटे का। तो क्या साथ में अगर हम लोग तेल रखेंगे गर्म तो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ओके, फटाफट से बन भी जाएगा, और ये मैं ये बाटी भी बनाते जाऊंगी और फ्राई भी करते जाऊंगी। सुवाच्य, आने के बाद मल्टीटास्किंग, तो क्या हमारा टाइम वेस्ट ना हो और फटाफट बना सके। दोस्तों इसे कहते हैं मैनेजमेंट स्किल, जो मल्टीटास्किंग सिखाता है ना कि भाई एक टाइम पे अलग अलग काम करो। ये तो हमारे घर की हाउसवाइफ, हर घर की हाउसवाइफ ऑलरेडी, इनफैक्ट सैल्यूट है आप लोगों को। मल्टीटास्किंग, आप लोगों से ज्यादा मल्टीटास्किंग बेटर और कोई नहीं कर सकता। वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया तेल गरम, तेल गरम हो गया है, और ये बाटियां इसमें जाएगी, बाटी देखो। ओके, मतलब इससे हम चूरमा बनाएंगे पहले, और हाँ, फिर उस चूरमे के लड्डू बनाएंगे। हाँ, इसको फ्राई करके हम लोग मिक्सर में इसका चूरा बना देंगे। ओके, वो चूरमा हो जाएगा। हाँ, वो चूरमा हो जाएगा। हनुमान जी के वन ऑफ द फेवरेट हैं सुखड़ी, चूरमे के लड्डू, बूंदी के लड्डू। और दोस्तों आप भी बनाइएगा, आप भी प्रभु को भोग लगाने के बाद टेस्ट करिएगा चूरमे के लड्डू। कहते हैं ना कि वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट लाइक रेसिपी है, आप भी बनाइएगा, क्योंकि काफ़ी जैसे शुद्ध घी पड़ता है उसमें, ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं, और रेगुलर भी हम बनाते रहते हैं। हम हनुमान जी के लिए भी बनाते हैं, गणेश जी के लिए भी, हम जो गणेश चौथ होती है उसके दिन, वो दिन भी हम बनाते हैं। तो मेरी मम्मी भी स्पेशलाइज है, परी भी स्पेशलाइज है ये चीज़ में। तो मतलब पहले बता, दोनों अन्नपूर्णा देवियाँ दोनों ही मतलब लाइक ऑलराउंडर है किचन में, मतलब जो मतलब
हमारे जो देसी डिशेस होती हैं इंडियन डिशेस, उसमें भी मतलब उनका हाथ काफ़ी अच्छा है, और कोई भी वैरायटी अच्छी बनानी हो, समथिंग डिफरेंट बनाना हो, तो भी मतलब बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। और यही तो स्किल है मतलब परी की, जो मैं आप सभी के सामने लाता रहता हूँ बार बार ब्लॉग में। और अब देखो इसे फ्राई होने के बाद थोड़े गर्म है ना, तो इसके टुकड़े कर देती हूँ ताकि पीसने में थोड़ा आसानी हो जाए। ओके, कुछ फ्राई हो रहे हैं, कुछ हो गए हैं और कुछ होने वाले हैं, अभी हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ड्राई फ्रूट रेडी है, गार्निशिंग के अंदर डालेंगे ना, ये ऊपर डालेंगे, मिक्स करेंगे। ओके, इसका पाई बनाएंगे, मतलब इसके बाद ये जब भी फ्राई हो जाएगा मिक्सी में पीस दूंगी, इसके बाद गुड़ और घी की पाई बनाऊंगी मैं। ओके, जैसे सुखड़ी की बनाई थी वैसे ही? नहीं, वो वाली अलग रहती है। ओके, ये वाली अलग है। ओके, उसमें क्या आटा सेक के हम लोग ने बनाया था, ये पहले गुड़ और घी का पाई बनाएंगे, उसमें ये मिक्स करके, ये थोड़ी अलग स्टाइल। ओके, देखो ये गर्मा गर्म है, संभालिएगा चटका लग जाएगा। और इसी के साथ उन बाटियों को पीस दिया गया है मिक्सी में, और उससे अभी ये देखो ये मैं छलनी से ये छान रहे हो, राइट, ताकि क्या वो मतलब जो कोई अगर गट्ठे बचे, हाँ गट्ठे ना बचे, आ जाए लड्डू में, इसके लिए छलनी से मैं ये छान देती हूँ। ओके, इसी के साथ चूरमे की बाटियों को पीस दिया गया है, यहाँ पे गुड़ रेडी है और यहाँ पे गैस भी ऑन कर दिया। अभी सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात यह है कि मतलब गुड़ कितना ले, तो अभी ये देखो ये कैसे इतना आटा है, मतलब ये जो हम लोग ने पीस के रखा है, right. तो इसका आधा हिस्सा आप पकड़ लो। ओके, इतना आधा कर लो, तो ये जितना आधा आटा हुआ है, मतलब ये जो पीस के हुआ है, उतना एक हिस्सा हम लोग गुड़ का लेंगे। ओके, तो क्या वो मीठा हिसाब से अच्छा बनेगा, बैलेंस, ज्यादा मीठा भी नहीं, ज्यादा फीका भी नहीं। अगर आपको ज्यादा मीठा चाहिए, कोई कोई क्या ज्यादा मीठा खाते, तो आप थोड़ा उससे ज्यादा थोड़ा डाल सकते हो, तो ये हिसाब से अगर आप माप रखेंगे तो ये जो लड्डू है वो मतलब मीठे, मतलब बैलेंस अच्छा, बैलेंस अच्छा रहेगा, मतलब मीठे बन का। ओके, ओके, आप गुड़ डालिए। ओके, ये तो रेगुलर गुड़ ही है ना, मतलब वो चिकी वाला नहीं ना, ये रेगुलर वाला गुड़ है। ओके, और इसमें अभी मैं डालूंगी, और ये पड़ रहा है शुद्ध घी। अभी इतना मैं डाल रही हूँ, फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देखेंगे कि और रिक्वायरमेंट है तो आप और डालेंगे, राइट। ओके, अब इसको मीडियम गैस पे हम लोग गर्म करेंगे। ओके, ये भी थोड़ा मैं गर्म करने के लिए देती हूं, ताकि इनके अंदर हम लोग को ज्यादा घी अगर जरूरत होगी घी की, ओके, तो हम लोग थोड़ा गर्म घी डालेंगे तो क्या अच्छे से घुल जाएगा उसमें। ओके, वो पिघलेगा और घुल जाएगा। ओके, वाओ क्या बात है, देखो घी तो अच्छे से मतलब वो पिघल गया, अभी गुड़ को थोड़ा टाइम लगेगा, वो लगेगा पिघलने में। दोस्तों ये सब देखने के बाद, मतलब ये तो अभी फिलहाल गुड़ पिघल रहा है, मगर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इंडियन डिशेस का जो चार्म है वो दुनिया का, कहते हैं ना, दुनिया की कोई भी रेसिपी वो बीट नहीं कर सकती। इंडिया एक ऐसा कल्चर है, मिक्स कल्चर है, यहाँ पे ऐसी ऐसी डिशेस, फूड वेराइटीज, खान पान, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंटर, मतलब हर जगह का चार्म ही अलग है, कि लाइक हमें सौभाग्य कहते हैं ना, हम भाग्यशाली हैं जो भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है। तो देखते हैं ना, देखिए आप, मतलब ये सब आपको वेस्टर्न कल्चर में नहीं मिलेगा, आप अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, जो क्रेज़ होता है ना वहाँ पे जाने का, मगर ये जो क्रेज़ है, ये मतलब हमारा जो भारत है, मतलब हिंदुस्तान है, उसमें ये जो कल्चर है ना, ये फूड वेराइटीज़ का, ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। गुड़ देखो एकदम पिघल गया, अभी थोड़े हल्के हल्के बबल आना शुरू हो गए, मतलब वो उबलना शुरू होगा। अभी जैसे ये पूरा ऊपर आ जाएगा बबल्स पूरे, ओके, तभी हम गैस बंद कर देंगे और फिर चूरमा डाल देंगे। हाँ, चूरमे का जो पाउडर है, ये जो पाउडर है ये फिर उसमें पड़ जाएगा। आप ये सब ड्राई फ्रूट डाल दो उसमें। मैं ये ड्राई फ्रूट डाल दूं? थैंक यू, क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बहुत हार्ड काम है मेरे लिए। ये देखो ये है ड्राई फ्रूट, मतलब अभी मिक्स करने हैं। ओके, क्या बात है, बबल भी बनने लगे हैं, बन लगे ना। हाँ, राइट, इतनी मतलब ऐसी कैरमल टाइप हो गया ये। हाँ, इतना मतलब बबल्स ऊपर तक आ जाने चाहिए, नहीं तो गुड़ क्या थोड़ा कच्चा रहेगा तो मतलब अच्छा, और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो लड्डू कड़क हो जाएंगे, ऐसे पूरे आने चाहिए बबल्स। ये भगवान का कार्य है, तो वही मैं कंटिन्यू करूंगा, और इसमें बनाते श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम सीताराम 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 सीताराम, क्या बात है। इसमें ये जो पाउडर है हमारा,
ये जो इलायची और जायफल का पाउडर है वो मैं एक चम्मच इतना डाल रही हूँ। ओके, स्वाद अनुसार। ओके, मतलब आपको जैसी फ्रेगनेंस चाहिए। ये इलायची और जायफल मतलब ये मीठी चीजें जो हम बनाते हैं, पेड़ा बनाते हैं, स्वीट डिशेस बनाते हैं, उसमें वो हिसाब से लाइक फ्रेगनेंस के हिसाब से अलग टेस्ट आया उसके अलावा। ये इंडियन डिशेस में पड़ता ही आपको तो मालूम है। जो जयेश को थोड़े कम पसंद है इलायची पाउडर। हाँ, वैसे मुझे इलायची पाउडर हम लोग क्या करते हैं, मतलब छुपा के डाल देते हैं। जयेश को बोलते हैं हम लोग ने नहीं डाला। और आज आपका वो राज पकड़ा गया है, आप ऐसे ही डाल देते हो, मुझे बोलते हो कि नहीं डाला है। सॉरी, जयेश बोलेंगे हाँ आज तो खीर इतनी अच्छी बनी, आज तो सेवैया ज्यादा ही मीठा बना, अच्छा बना। मुझे मुझे क्लू ही नहीं रहता कि इन्होंने डाल दिया है। अभी देखो ये मिक्स कर रही हूँ मैं, तो थोड़ा मतलब घी मुझे कम लग रहा है, तो थोड़ा घी ऊपर से डालेंगे। थोड़ा सूखा मैंने गरम किया हुआ है, वही मैं डाल दूं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ओके, क्या बात है। हाँ, तो कहाँ पे थे हम? इलायची हम लोग नहीं डालते खाने में। हाँ, आप सास बहू की साजिश है ये। वो होता है ना जी न्यूज में, वो न्यूज में वो एक आता है आफ्टरनून में। गौर से देखिए औरतों को, गौर से देखिए इन औरतों को, दोनों छुपे रुस्तम है। ये वही औरतें हैं जो छुप छुप कर मुझे नहीं पसंद है वही चीजें खाने में डालती हैं, इलायची डालती हैं, जायफल डालती हैं, अच्छे से खा भी लेते हैं। और उस दिन पता नहीं मुझे टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। इनका राज खुल गया है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती है जब छोटे है ना, कि छोटे तभी जैसे यश अभी करता है, सारी छोटी छोटी वेजिटेबल्स निकाल देता है वो, कहीं बार वो दाल में राई आ जाती है, जैसे वो मस्त होता है ना सरसों को निकाल देते हैं, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। तो ये होते हैं मम्मी लोगों की ट्रिक, उनको पता है कि बच्चे को कैसे खिलाना है। ऐसे नहीं तो ऐसे अभी में रुको, अभी देखो एक और एक चीज और ही बताता हूँ। छोटे छोटे लड्डू बनाओ। ओके, ये बन गया है चूरमा, असली घी का चूरमा। हालांकि हम ये भी अर्पित कर सकते हैं, राइट? खाली चूरमा अर्पित करना है तो भी कर सकते हैं ना प्रभु को। ओके, मगर इसके हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू की तो बात ही अलग है। हमारे इंडिया में लड्डू एक ऐसा ट्रेडिशन है। अब बूंदी का लड्डू लो, और कौन से लड्डू आते हैं, बेसन के आटे का लड्डू लो, चूरमे के लड्डू लो, मेथी के लड्डू, मेथी के लड्डू आते हैं, फिर वो खोपरा होता है ना, जैसे हम महाराष्ट्र में रहते थे, मुंबई रहते थे, वहां पे मराठी कल्चर में वो खोपरे के लड्डू आते थे, वो मोदक भी बनाते, पता है? मोदक, हाँ, उसे अलग से थोड़े महाराष्ट्र लोग बनाते हैं। यस, मराठी लोग बनाते हैं। वाओ, ये देखो पहला लड्डू बन गया है, आपको नजदीक से बता देता हूँ। और इसके ऊपर हम एक और चीज मतलब ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए, खसखस। खसखस, ये मतलब चूरमे के लड्डू अधूरे हैं, राइट? उससे ही मतलब इसकी वो दिखने में ज्यादा मतलब अच्छी। ओके, दोस्तों ये वो इंग्रेडिएंट है जो गार्निशिंग में यूज करेंगे, इसे बोलते हैं खसखस। और परी ने हाथ में थोड़ा खसखस ले लिया है और हर लड्डू में लगाया जाएगा। ये देखो इससे कितना अच्छा लगेगा, बता दो। अभी देखो ये प्रॉपर, अभी इससे नीचे अभी अभी देखो ये लड्डू अब फिनिश हुआ कंप्लीट, क्या बात है। ऐसे हम सब लड्डू, यश आपको पसंद है? यश के तो फेवरेट है। ये और ये आप खाना, ठीक है, ये खाया जाता है, ये हेल्दी होता है, सुखड़ी भी हेल्दी होती है, जंक फूड कम खाया करो, ठीक है। अभी तो फिलहाल तो यश को बैन कर दिया है मैगी खाने से, मैगी को बैन कर दिया, सॉरी। मैगी सामने से आ जाती मगर यश नहीं खाता है, यश नहीं खाता है। तो इसी के साथ प्रभु का भोग रेडी है, और देखिए चूरमे के लड्डू, तुलसी दल भी अर्पित कर दिया है, और आज यश को वो सौभाग्य मिला है, क्योंकि नॉर्मली सुबह के टाइम मैंने किया हुआ है कई बार भोग अर्पित, तो आज यश को मौका मिला है, तो यश बहुत एक्साइटेड होता है। और बजरंग बली का छोटा सा भक्त मगर भक्ति बहुत अच्छी करता है बजरंग बली की। और आपको है ना प्रभु को बोलना है, प्रभु टेस्टी टेस्टी लड्डू है आपके लिए खास बनाए हैं, जरूर आप इसे खाइएगा। और जल्द से जल्द आपके लिए हम और भी ऐसी ऐसी ही टेस्टी टेस्टी चीज़ें बनाते रहेंगे आपके लिए भोग के लिए। और आपको है ना भोग लगाते वक्त
आप प्रार्थना जरूर करिएगा, और प्रार्थना करने से पहले आपको धुन करनी है। कौन सी धुन करनी है? श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या बात है, आज तो यश के स्वर में हमने राम धुन सुनी जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। यश आप जाइए, प्रभु को भोग धरिए। दोस्तों एट लास्ट प्रभु को भोग अर्पित हो गया है, शनिवार का दिन है, और एक चीज और बाकी है जो मेरी मम्मी करती है हर वीडियो में, हर व्लॉग में, उनके स्वर में हम भजन सुनते हैं और आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। आज मम्मी नहीं है, हम कोशिश करते हैं उनके जैसा तो नहीं, मगर कोशिश करेंगे प्रभु के नाम का गुणगान करें और बजरंग बली को प्रसन्न करें, ठीक है ना। तो आप भी जुड़ सकते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कैसा लगा वो भजन, ठीक है ना। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसलिए काला। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हाँ बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, काली अंधी आ रही आधी रात में तू आया, इसीलिए काला। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जय श्री कृष्ण जय श्री राम। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये भजन मीठा सा भजन कैसा लगा। मम्मी जैसा तो नहीं, पर कोशिश की हमने आज भी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं ताकि आने वाले व्लॉग्स आप सबसे पहले देख सके दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, तो जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम जय श्री कृष्ण जय स्वामी नारायण, गुड बाय बाय।